أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم وعلى عباده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما बहुत ही मशहूर मारूफ आय मुबारक इसकी तिलावत का शरफ हासिल किया। खालिक कायनात पैगंबर को मुखातब करते हुए कहता है, मेरे पैगंबर कह दीजिए इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व हयाती और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब के सब उस खालिक कायनात उस रब कायनात के लिए है जिसने इस निजाम कायनात को, इस जहान को सिर्फ और सिर्फ इस अशरफ मखलूक हजरत इंसान के लिए सारी चीजें करार दी। उसने कायनात में हर मखलूक, हर अशिया, जमादात से लेकर नबादात तक हर शय इस इंसान के ताबे, इस इंसान के सामने सर्वसजूद, चाहे वो मखलूक इस इंसान से कितनी भी कवी, चाहे वो ताकत में हो या जिस्मानी सूरत में हो, किसी भी तरीके की हो, वो सब के सब इस इंसान के ताबे हैं। और ये इंसान इतना कमजोर है कि अगर ऐसी ऐसी मखलूक इस कायनात में पाई जाती है कि अगर वो जरा सा इशारा करें तो इंसान फना हो जाए, लेकिन ये इंसान उन पर भी हाकिम है। लेकिन इस इंसान की खिलकत, इसकी अजमत, इसकी बुलंदी, इसका वकार इतना बुलंद खालिक कायनात ने किया कि इसमें दोनों सिफत मौजूद हैं, दोनों सिफात, दोनों रवेश इसके अंदर खालिक कायनात ने करार दी कि अगर ये इंसान अपनी सलाहियतों पर अमल करते हुए उसकी बारगाह में सर्वसजूद हो जाए तो इसके लिए खालिक कायनात फख्र करता हुआ नजर आएगा, तबारक अल्लज़ी अहसन खालिकीन। लेकिन अगर यही इंसान अगर उन सलाहियतों को छोड़ता हुआ जुल्म और बर्बरियत का साथ देता हुआ नजर आए तो खालिक कायनात कहता हुआ नजर आएगा, ये इंसान कितना ही जलील और कितना पस्त, यहां तक कि ये जानवरों से भी ज्यादा पस्त और फकीर है। ये इंसान की सिफत है, ये उस इंसान का तरीकेकार है कि जिसके लिए खालिक कायनात का ये हुक्म, परवरदिगार का ये फरमान, मेरे पैगंबर इनसे कहिए, इनको बताइए, कुल इन्ना सलाती,
बेशक ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये कुर्बानियां, ये जकात, ये सारी चीजें खालिक कायनात के लिए है, ये सब उसके लिए है जिसके लिए ये कायनात सरबत सुजूद है, उसके लिए मैंने ये सारी चीजें खल्क की हैं। अगर मेरा खल्क करने का मकसद ये ना होता तो मैं ये सारी चीजें इंसान के लिए करार ना देता। मैंने सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए करार दी ताकि ये इंसान अशरफ मखलूक बन सके। सबसे पहला ही हुक्म ये नमाज। आज नमाज के ये हालत जो हमसे ज्यादा बेहतर आप हजरात खुद जानते हैं कि क्या हालत है, क्या अहमियत है नमाज की हमारे दरमियान। सबसे पहला ये हुक्म है, पैगंबर कहिए इन्ना सलाती, ये नमाजें, ये नमाज किसके लिए? लिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस परवरदिगार के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है, जहान को तमाम जहान का खालिक है। ये नमाज क्या सिर्फ ये पंज वक्ता नमाज ही है? क्या इसी का ये हुक्म है? क्या इसी के लिए कहा गया है कि न सलाती? बल्कि और भी कुछ नमाजें हैं जो खालिक कायनात ने इस इंसान पर वाजिब करार दी हैं। और माशाल्लाह से हमारी बस्ती जिसमें अक्सर और बेशतर सब उर्दू पढ़े हुए हैं, मक्तब में जाकर पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो मजलिसों में भी सुना। और ये बस्ती जो उलमाओं से घिरी हुई है माशाल्लाह से, कई कई आलिम बस्ती में मौजूद हैं, पूछते रहते हैं बराबर कितनी तरह की नमाजें हैं जो खालिक कायनात ने इस इंसान पर वाजिब करार दी हैं। एक तो यही योमिया नमाज हो गई 17 रकत, इसके अलावा और भी कुछ नमाजें हैं जो अल्लाह ने इस इंसान पर वाजिब करार दी। सबसे पहली योमिया नमाज, दूसरी नमाजें जैसे नमाज मैयत, सबके ऊपर वाजिब। लेकिन अगर कुछ लोग इकदाम कर दें, कुछ लोग पढ़ लें तो दूसरों पर से साकित। और नमाज आयात जो सबके ऊपर वाजिब, इसमें यह नहीं है कि कुछ लोग कर लें तो दूसरों पर साकित, सबको पढ़ना। अब ये पढ़ेंगे कब? का जलजला आए नमाज पढ़ लो, सूरज ग्रहण लगे नमाज पढ़ लो, चांद ग्रहण लगे नमाज पढ़ो, सबके ऊपर वाजिब है ये नमाज। बस और भी हैं कुछ नमाजें या यहीं पे खत्म? आवाज आई, नहीं अभी रुक जाओ, और भी नमाजें हैं जो हमने वाजिब करार दी हैं। बाप की नमाजें, बाप की नमाजें बड़े बेटे पे वाजिब। जब हम अपनी ही नहीं पढ़ते तो बड़े बेटे, नमाजें वाजिब हमने खुद पढ़ी नहीं और इस तरह में हमारे ऊपर आ गए, इनको भी पढ़िए। इसीलिए कहा गया अपने बच्चों को मस्जिदों में लेकर आइए, शुरू से तरबियत कीजिए ताकि उनकी नमाजें ना छूटें। जब उनके ऊपर नमाजें वाजिब हो जाएं तो वो इस नमाज के आदी हो जाएं, इस नमाज के पढ़ने में उनका शौक और वलवला दिलाइए। इस तरीके से हम दूसरी चीजों के लिए, दुनियावी तालीम के लिए करते हैं, कहते हैं कि अगर पास हो गए तो ये दिलाएंगे, फला चीज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीजें। अगर यही शौक हमने नमाज के लिए दिलाया थे तो हमें ये नमाजें
कजा नमाजें बाप की और मां की कजा नमाजें नहीं पढ़ना पड़ेंगी। इसके अलावा और नमाजें, नज़्र, अगर नज़्र मान ली फला काम हो जाए तो हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अफसोस हमारी उम्मत मुसलमानों के ऊपर इस बेहतरीन उम्मत के जिसमें आने के लिए आदम से लेकर ईसा तक सारी उम्मतें फख्र करती हैं और ये तमन्नाएं करती हैं परवरदिगार हमें इस उम्मत में करार दे दे, और ये उम्मत नज़्र की नमाज वाजिब। लेकिन हमारे यहां कोई नज़्र मानता ही नहीं कि हमारा फला काम हो जाए हम नमाज पढ़ेंगे। नज़्र क्या मानेंगे? हमारा फला काम हो जाए, फला चीज हो जाए, फला शय मिल जाए तो हम कहानियां सुनेंगे। यही है ना, अगर हमारा काम हो जाए हम कहानियां सुनेंगे। लेकिन अफसोस है इन सियाने हैदरे कर्रार पर, इन सियाने अमीरुल मोमिनीन पर जो खुद कहते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं, हम अली के चाहने वाले, हम अहले बैत के शहदाई। क्या तारीख में कोई ऐसा गोशा नहीं है कि जहां के ऊपर अहले बैत ने मिन्नत मानी हो, जहां अहले बैत ने कोई मुश्किल हल करने के लिए बारगाहे इलाही में हाथ फैलाए हो और कहा माबूद ये मेरी मिन्नत पूरी हो जाए तो हम ये काम करेंगे। तारीख में सिर्फ एक मौका ऐसा, हम जिसके शहदाई हैं, हम सियाने अमीरुल मोमिनीन हैं, हम मानने वाले हैं, हमें तारीख में सियाने अमीरुल मोमिनीन अली के चाहने वालों के लिए एक गोशा मिला जहां के ऊपर मुश्किलात हल करने के लिए मिन्नत भी मानी गई, तो वो भी नमाज की, वो भी रोजों की। परवरदिगार ये काम हो जाए तो हम नमाजें पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, दोनों तरीके की मिन्नतें मौजूद हैं तारीख में। एक वो मुकाम जहां पर हसनैन की तबीयत ठीक नहीं, हसनैन की तबीयत नासाज, शहजादी कहानी मान लीजिए ठीक हो जाएंगे, नहीं, परवरदिगार मेरे बच्चे ठीक हो जाएं तो मैं 3 दिन मुसलसल रोजे रखूं, 3 दिन मुसलसल रोजे, ठीक हो गए, रोजे रखना शुरू कर दिए। आलम यह है, खुलूस यह है कि जब खालिके कायनात के लिए कोई फेल अंजाम दिया तो फौरन खालिके कायनात ने भी अपने मासूम मलाइका को भेजकर इस दरवाजे पर खदाई करा के बता दिया कि देखो अगर तुम्हारा अमल खुदा के लिए होगा हम मासूम मलाइका को भी भेज देंगे। तुम्हारा अमल अल्लाह के लिए है तो मासूम मलाइका भी आएंगे। परवरदिगार बच्चे ठीक हो जाएं, रोजे रखेंगे, रोजे रखे, मुसलसल रखे, और माशाल्लाह कुरान मजीद जो हम सिर्फ और सिर्फ रमजान में ही खोलते हैं, अगर कुछ किस्मत है तो पूरा सूरा सूरे दहर मौजूद है। 3 दिन रोटियां कहीं सूरा आ गया। एक मुकाम और है,
ये तो सिद्दीक ताहरा ने मिन्नत मानी कि महबूब बच्चे ठीक हो जाएं तो हम रोजे रखेंगे। दूसरी हल्लाले मुश्किलात, जो सारी कायनात की मुश्किलों को हल करता है। बहुत तवज्जो, बस ज्यादा देर जहमत नहीं देंगे, मुख्तसरन। जिसने सारी कायनात की मुश्किलें हल की, जो भी मुश्किल लेकर इस दरवाजे पर पहुंचा उसकी मुश्किल हल कर दी। लेकिन यही हल्लाले मुश्किलात जो सारी दुनिया की मुश्किलें हल कर रहा है, जो मांगने आ रहा है सब दे रहा है, जिस तरीके की जो भी शय चाहिए सब दी, लेकिन ये हल्लाले मुश्किलात को जब कोई शय चाहिए तो मुसल्ले पर आ रहा है, और आने के बाद परवरदिगार तेरी बारगाह में ये हाथ है जो तेरे अलावा किसी की बारगाह में नहीं फैले, ये पेशानी है जो तेरी बारगाह के अलावा कहीं और नहीं झुकी। हमारी तो ना जाने कहां कहां झुकती रहती हैं, और झुकेंगी भी, क्योंकि जब हम खालिक की बारगाह को छोड़ देंगे तो हर जगह जलील होंगे। परवरदिगार तेरी बारगाह में इल्तजा है, एक फर्जंद चाहिए। महबूब एक नासिर चाहिए, जो खुद नासिर बनकर आया उसे भी नासिर की जरूरत। महबूब ऐसा फर्जंद चाहिए जो शुजात में बेमिसाल हो, वफा में बेमिसाल हो, जिसकी शुजात और वफा देखकर लोग हैदर कर्रार तसव्वुर करें, जिसकी वफा का ये आलम हो कि लोग जब भी देखें जहां भी देखें तो फौरन ये कहते हुए नजर आए हूबहू मुश्किल कुशा हैदर कर्रार नजर आता। दुआएं मांगी और इन दुआओं के ही आसरे से सहारे से बतवजो अपने भाई अकील, भाई ऐसा कबीला ऐसा खानदान ऐसा तलाश करो कि जिसमें मैं शादी करूं और एक शुजा बहादुर बेटा पैदा हो। क्या मौलाए कायनात को अरब के हसब और नसब के बारे में खबर नहीं है? क्या अली को अरब के इन जाहिल और बद्दू कबीलों के बारे में मालूम नहीं? अरे अली की तो बात छोड़िए, अली की तलवार को भी इतना मालूम है। सलवात है मोहम्मद वाले कबीला तलाश करिए जिसमें शादी करो और शुजा बहादुर बेटा पैदा हो। शायद अकील ने सवाल कर लिया होगा, मौला ये बताइए आपको क्या जरूरत है ऐसे शुजा बहादुर बेटे की? आपके लिए तो हसनैन मौजूद है। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। आपके शुजा बहादुर बेटे हसन और हुसैन तो मौजूद है, अरे इनकी शुजात का तो ये आलम है, जंगे चमन में मैंने देख लिया जब ऊंट की मेहर कोई न काट सका तो आपका बड़ा बेटा इमाम हसन ही आगे बढ़ा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मौला आपको इस तबीले की क्या जरूरत? क्या जरूरत है? ऐसा कबीला चाहिए जो शुजात में मिसाल हो, सखावत में मिसाल हो, हर तरीके से सारे कवानीन इंसानियत के एतबार से लासानी नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरीके से देखा जाए हो बहू मेरे शक्ल नजर आए, ऐसे तबीले की तलाश है। का भैया क्यों? का जरूरत है, एक ऐसा मकाम आएगा ऐसे फर्जंद की मुझे जरूरत पड़ेगी। क्या किस लिए? आप नहीं होंगे। का अगर मैं होता तो ऐसे फर्जंद की जरूरत नहीं थी। का फिर किसके लिए? का ये फर्जंद मुझे चाहिए है मेरा बेटा हुसैन जब इस्लाम को बचाने के लिए बढ़े, इस्लाम को बचाने के लिए अपने अहलो अयार को लेकर चले तो उसका अलमदार हो बहू हैदर कर्रार हो। निजात इस्लाम को अगर मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ हुसैन से ही मिलेगी, और मैं चाहता हूं ये इस्लाम और ये परचम इस्लाम बुलंद हो तो हमेशा जब भी ये परचम उठे तो लोग परचम को देखकर मेरे बेटे को पहचाने, और बेटे को पहचानने के साथ साथ जब भी वो आलम उठाए और उठाने के बाद उनके दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि जब ये आलम इतनी बाजमत का मालिक है तो उसका उठाने वाला कितनी कबीला तलाश किया गया। मुफस्सल आप तरह जानते हैं शादी हुई, लेकिन यही के ऊपर जो अरब शनास था, जो नस्लें पहचानता था, जो अरब के रग रग से वाकिफ था, क्योंकि जब मौलाए कायनात ने कह दिया ऐसा कबीला अकील तुम तलाश करना, तो आप अंदाजा लगाएं उस अकील में कितनी सलाहियतें होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको तलाश करने के लिए आली जैसा इमाम मुश्किल कुशा इंतखाब कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके दिल में भी तमन्ना पैदा हुई कि मैं भी एक ऐसा कबीला एक ऐसा खानदान तलाश करूं, क्योंकि मैं तो हूंगा नहीं, मेरा वजूद तो वहां तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन अपना नुमाइंदा तो मैं वहां तक भेज सकता हूं। इंतखाब की अकील ने भी एक ऐसा खानदान ऐसा कबीला, शादी हो गई, दोनों की तमन्नाएं मुसल्ले पर मांगते हैं, कबीला तलाश करते हैं,
दोनों के यहां विलादतें हुई, एक के घर अलमदार बाबा हजरत अब्बास सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दूसरे के घर सबीरे हुसैन सुभान अल्लाह मुस्लिम बिन अकील सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दोनों परवान चढ़े। 28 रजब आई, बस मुख्तसर कर रहा हूं, 28 रजब आई, अब्बास काफिला तैयार करो चलना है मदीने से, सबको लेकर निकलना शुरू कर दिया। मदीने से मक्का आ गए, 8 ज़िलहिज तक हुसैन मक्के में है, 8-9 ज़िलहिज है ना, हुसैन ने कल मक्का भी छोड़ दिया। मक्का छोड़ने से पहले हुसैन ने जब कूफियों का इसरार बढ़ा, कूफियों ने खत पे खत लिखना शुरू कर दिए, मौला हम बेईमान हैं, मौला हमारे ऊपर जुल्म और सितम हो रहे हैं, मौला हमारी मदद कीजिए, मुसलसल खत आ रहे हैं इमाम के पास, हमें अपने ऊपर भी गौर और फिक्र करना चाहिए, हम जो 15 शाबान को मौला को खत लिखते हैं ना, रीजा भेजते हैं इमाम को, मौला तशरीफ लाइए, मौला बहुत परेशान है, और हर नमाज के बाद कहते या साहिब जमान, ऐसे ही कूफियों ने भी खत लिखा इमाम को, मौला हम बेईमान हैं, हमारे पर जुल्म सितम हो रहा है, हमारी नुसरत कीजिए, मदद कीजिए। इमाम ने 5 शव्वाल को, ईद की 5 तारीख को खत का जवाब दिया और अपने सबसे ज्यादा करीब मोहतमिद काबिल एतमाद मुस्लिम बिन अकील को बुलाया, भैया मैं तो भेजना तो नहीं चाहता हूं, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए काबिले बर्दाश्त तो नहीं है, बाहर निकल बगल लगा हो, इसलिए जब भी मैं अपने चचा की वफादारी देखना चाहता था तो मैं तुम्हें देख लेता भैया, लेकिन इत्माम हुज्जत करना है, कूफियों ने खतूत लिखे हैं, भैया आप मेरी तरफ से नुमाइंदे हैं, आप कूफे में जाइए और लोगों से मेरे लिए बैत लीजिए। हुसैन तकासिफ सफीर हुसैन मक्के से कूफे की तरफ रवाना हुआ, इधर 8 ज़िलहिजाई, सारी कायनात हज के लिए मक्के में जमा है, सब हज करने के लिए मक्के आए हुए हैं, सब कुर्बानियां लेकर मक्के में आए हैं, लेकिन हुसैन अपने कुर्बानियों को लेकर कर्बला की तरफ रवाना हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सब अपनी कुर्बानियां लेकर आए हैं, कैसी कैसी कुर्बानियां हैं, कोई जिसके पास जैसी ताकत है वो अपनी कुर्बानियों को लेकर आया है, लेकिन हुसैन कैसी कैसी कुर्बानियों को लेकर मक्के से जा रहे हैं, कोई हम शक्ले पैगंबर है, कोई हम शक्ले अली मुर्तजा है, अरे कोई हम शक्ले हुसैन शहीद करबला, अल्लाह हु अकबर, हुसैन की कुर्बानियों में एक छोटी सी कुर्बानी भी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 8 ज़िलहिज को हुसैन मक्के से निकले,
अफसोस हुसैन मक्के से निकल रहे हैं, वो मक्का वो काबा जिसको किबला उसके बाप ने बनाया, जिसकी वजह से आज नमाजें कायम हैं, जिसकी वजह से आज कुर्बानियां कायम हैं, जिसकी वजह से आज ईदें मनाई जाती हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन मक्के से निकल रहे हैं लेकिन अफसोस इतने मुसलमान इतने हाजी सब हैं, लेकिन किसी ने फरजंदे रसूल से पढ़कर ये ना कहा फरजंदे रसूल अरे हज तो तमाम कर लीजिए। अल्लाह अकबर। हुसैन मक्के से चले, हुसैन के भाई मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, भैया किस इरादे से आप जा रहे हैं, आप मक्के से ना जाइए। इमाम ने फरमाया मेरे भाई भैया मैं मक्के से सिर्फ इस वजह से निकल रहा हूं ताकि अपने जद रसूल अल्लाह अपने बाबा अली मुर्तजा की सीरत को कायम कर सकूं। फरजंद रसूल आप तो देख रहे लोग कुर्बानियां भी कर रहे हैं, तवाफ भी कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, फिर आपको कौन सी सीरत जिंदा करना है, किस लिए आप जा रहे हैं? तो फरजंदे रसूल बढ़कर आवाज देंगे खाली नमाज पढ़ लेना कुर्बानियां कर लेना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें यह भी देखना होगा कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी के ऊपर सिदक हो रहा है, अगर किसी का हक मारा जा रहा है और तुम खामोश बैठे हो, तुम भी ये समझ लेना तुम भी लश्कर यजीद में शामिल हो। अल्लाह अकबर। हुसैनी काफिला मक्के से रवाना हुआ, नौ जिलहिजाई काफिला ये चल रहा था, अचानक हुसैन के चेहरे का रंग मुतगयर हुआ, आवाज थी वालेकुम अस्सलाम अलैका या सफीर हुसैन मुस्लिम बिन अकी, मेरा सलाम हो उस शहीद पर जो यको तन्हा था मैदान में, मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसके साथ तो नन्हे नन्हे बच्चे थे लेकिन शहादत के बाद वो बच्चे दोनों पास नहीं थे। मेरा सलाम हो उस शहीद पर जो वक्त आखिर पानी भी तलब करता है लेकिन पानी ना पी सकता है। मेरा सलाम हो शहीद पर वक्त शहादत जिसके हाथ बसे पुश्त बसे हुए थे। मेरा सलाम हो शहीद के ऊपर दारुल अमारा की बुलंदी से जमीन पर ले जाने। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुर्सा दे लीजिए। करबला का आगाज हो चुका, मुकद्दमे करबला मुस्लिम बिन अकील, दीवाचे किताबे करबला मुस्लिम बिन अकील, करबला का पहला प्यासा शहीद मुस्लिम बिन अकील। करबला आगाज कूफे से कर चुकी, करबला की पहली कुर्बानी कूफे में हो गई, और ये ऐसा शहीद है ना जिसके दो बच्चे करबला में कुर्बान हो गए और दो बच्चे जो साथ में आए थे
वो भी बाबा को याद करते रहे। ऐसे गरीब और तैयार शहर में थे जिसकी कनियत नहीं मालूम थी। आखिर जालिम ने उन दोनों बच्चों को भी शहीद किया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जानते हैं मुस्लिम बिन अकील जब कूफे पहुंचे हैं, कूफियों ने बैतें करना शुरू कर दी। अहले कूफा बैत कर रहे हैं, सब ने बैतें की। मुख्तसरन मुस्लिम कूफे में एको तनहा है। क्यों? मुस्लिम की उम्र वक्ते शहादत 26 साल है या 25 साल है। और मुस्लिम ने कूफे का वो दौर भी देखा था जब चचा अली मुर्तजा की हुकूमत थी। बचपन का दौर था। और अब एक इमाम की तरफ से नुमाइंदे बनकर कूफे में आए हैं जहां के ऊपर लोगों ने बैतें की। मुस्लिम नमाज मगरिब के लिए कूफे में मस्जिद कूफा पहुंचे। नमाज मगरिब के लिए तकबीर कही अल्लाहु अकबर। मुस्लिम मुसलमानों के दरमियान में जैसे तकबीर कहते हैं या को तनहा हो गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने मुस्लिम का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही नमाज खत्म हुई मुड़कर पीछे देखा तो कोई भी मुस्लिम के साथ नहीं। बे यार मुस्लिम यको तनहा मुस्लिम। अब कहां जाए मुस्लिम, किसके पास जाए मुस्लिम? कूफा नाशनास है क्योंकि बचपन में ही देखा था इस कूफे को। अब नहीं मालूम कूफे में किसके पास जाए। गलियों में घूम रहे हैं मुस्लिम, आखिर एक दरवाजे पर पहुंच गए। खुदा किसी को भी ऐसे गरीब और तैयार में ऐसा मजलूम ना करा दे जिसका कोई यारो मददगार ना हो। मुस्लिम एक दरवाजे पर जाकर बैठ गए। अब सोच रहे कहां जाए, किसके पास जाऊं? इमाम का नुमाइंदा तन्हा है। अल्लाह अकबर। घर से गरीबा निकली, ऐ परदेसी तू यहां ना बैठ, शहर के हालात ठीक नहीं है, तू अपने घर चला जा, तू अपने घर चला जा। पानी मिल सकता है? ज़ैफ़ा कासे में पानी लेकर आए, पानी ले लिया। ज़ैफ़ा घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद फिर आई, क्या देखा? सर को झुकाए हुए ये को तन्हा बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। फुर्सत दे लीजिए, किसको किसको फुर्सत देंगे? हुसैन को हुसैन के सफीर का फुर्सत, करबला के शहीदों का पहला फुर्सत। हाथों को जोड़ लिए मुसाफिर अपने घर चला जा। एक मरतबा सर को उठाया, ऐसे ही बात इतना बता दे वो कहां जाए। वो कहां जाए जिसका कोई घर ना हो। अल्लाहु अकबर। हाथों को जोड़िए कहा, मुसाफिर इतना बता दे तू कौन है, कहां का रहने वाला है? क्या मैं मदीने का रहने वाला हूं? अल्लाह और मदीने का नाम
मैले बनी हाशिम का हूँ। मैले बनी हाशिम में कहाँ से हो? का इतना समझ ले, इतना समझ ले मैं हुसैन का भाई मुस्लिम। सही बात अड़प गई, हाथों को जोड़ लिया, आप कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, रात गुजारी, रात सामने देखा अली मुर्तजा फातिमा ज़हरा से रसूल खुदा तशरीफ लाए हैं। ऐ मुस्लिम, अब तुम अनकरीब मुझसे मुलाकात करने वाले हो। अल्लाह, सारी रात मुस्लिम ने इबादत में गुजारी। अल्लाह अकबर, परवरदिगार तुझे मुस्लिम में नकीर का वास्ता, हमारे जवानों को मुस्लिम में नकीर की तरह इबादत उतार दे। अल्लाह अकबर, सारी रात इबादत में गुजारी। मुख्तसर इब्ने ज़ियाद को खबर हो गई, फौजों के दस्ते आना शुरू हो गए, जंग शुरू होना ही चाहती है। एक मर्तबा ज़ैबा आगे बढ़कर कहती है, मौला आका, आप घर से बाहर ना जाइएगा, दुश्मनों का नरगाह है, घर में रहकर ही मुकाबला कीजिए। एक मर्दा मुस्लिम कहते हैं, ये बनी हाशिम के गैरतदार जवान से नहीं हो सकते, मेरे होते हुए किसी के घर की आबरू, किसी का घर वीरानों में नहीं बता सकता। मुस्लिम करबला आइए, बादे शहादत हुसैन, घर भी जलाया गया, गोशवारे भी छीने गए, तमाचे भी लगे। मुस्लिम, अल्लाह अकबर, मुस्लिम घर से बाहर निकले, जंग करना शुरू की, जंग करते जाते हैं, लेकिन धोखे से मुस्लिम पर हमला किया गया, मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, दारुल अमारा में लाए। एक शकी कहता है, मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। मुस्लिम ने सर को उठाया, उठाने के बाद कहते, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन इब्ने अली, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद कहता है, मुस्लिम तुम किस तरीके से शहीद होना चाहते हो, तुम किस तरीके से मरना चाहते हो? हुसैनी नुमाइंदा, मौत का डर नहीं, और डरे भी कैसे, करबला का मुकदमा लिखा जा रहा है। करबला का पहला शहीद है, डरेगा नहीं। इब्ने ज़ियाद, मुझे मालूम है तुम्हें शहीद करेगा, लेकिन मेरी कुछ वसीयतें हैं, मैं मकरूज हो चुका हूं, मेरा कर्ज मेरे जरा पेश कर अदा कर दिया जाए, और एक वसीयत मेरी ये है, मैंने अपने आका हुसैन को खत लिख दिया है, आका तशरीफ लाइए, मेरे मौला को खत लिख दीजिएगा कि मौला कूफे में आइएगा, कूफे रहने के काने नहीं है। अल्लाह अकबर, मुस्लिम की वसीयतों पर अमल ना हुआ, मुस्लिम को दारुल अमारा पर ले जाया गया। बस मुख्तसरन मसाइल तमाम कर रहा हूं। मुस्लिम दारुल अमारा पर पहुंचे, जैसे ही मुस्लिम को दारुल अमारा से फेंका जाना है, एक मर्तबा कहते, ठहर जाओ, ठहर जाओ। एक मर्तबा मक्के का रुख किया, आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका इब्ने रसूलल्लाह। हुसैन का काफिला रवा दवा है, आवाज दी अली अकबर, ठहर जाओ, अब्बास काफिला रोक दो, मैंने कहा
हुसैन के चेहरे का रंग मुतवैयर हुआ। अब्बास मुस्लिम की बच्ची को लेकर आओ। बस तमाम मसाल करता हूँ, अब्बास मुस्लिम की बच्ची को लेकर आओ। अब्बास मुस्लिम की बच्ची को लेकर आए। हुसैन ने मुस्लिम की बच्ची के सर पर हाथ रखे। बनी हाशिम की बच्ची इस्मत के दायरे में पली हुई बच्ची एक मरतबा बता दीजिए मेरे पापा को। ऐ मेरे अम्मू, ऐ मेरे वाली वाले, ऐ मेरे बाप के इमाम, इतना तो बताइए मेरे पापा खैरियत से है कि मेरे लाल आज से तेरा बाबा हुसैन है। मैं कहूंगा ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, अरे जरा छुपा कर सर पर हाथ करिए, जरा छुपा कर। कहीं सकीना दे, कहीं सकीना न दे। अरे सकीना को नहीं मालूम, अरे बाप की शान के नाम, अरे सर पर हाथ दे, अरे बाप की शान को है कोई हाथ दे। परवरदिगार के वास्ते आले मोहम्मद अलैहि वसल्लम हमारे मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार के वास्ते आले